व्हाट इज अप राइडर्स, हाउ यू ऑल डूइंग, सब ठीक ठाक है ना। आज वो दिन है जिसका मुझे और मेरी बाइक को बहुत दिनों से इंतजार था। यस, टुडे वी आर गेटिंग द फर्स्ट सर्विसिंग डन। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं डिटेल में बनाऊंगा। अभी तक मैंने अपनी बाइक को क्लोज टू 460 किलोमीटर चलाया है एंड आई मस्ट ऐड बहुत ज़्यादा ध्यान से इंजन को अच्छे से ब्रेक इन करने की कोशिश की है, रनिंग एंड पीरियड की स्पीड लिमिट, गियर शिफ्ट वगैरह भी फॉलो किया है। अब देखो, कभी कभी तो बाइक चलाते चलाते एक्साइटमेंट तो बन ही जाती है ना, और थोड़ी सी भगाई भी है मैंने, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो सर्विसिंग का अपॉइंटमेंट मैंने आज सुबह ही ले लिया था वर्कशॉप से। कह रही थी कि आप आ जाओ और हम हाथ के हाथ आपको बाइक दे देंगे। अब देखते हैं आगे कितना टाइम लगेगा। आई गेस ऑयल चेंज होएगा, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर शायद चेंज होएगा, ब्रेक क्लच वगैरह की थोड़ी एडजस्टमेंट होगी। फर्स्ट सर्विसिंग में वैसे भी ज़्यादा काम तो होता नहीं है, बाकी देखते हैं रॉयल एनफील्ड का फर्स्ट सर्विसिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ये देखिए, यहाँ से मैंने अपनी बाइक परचेज की थी। दिस इज द शोरूम फ्रॉम वेयर आई गॉट इट। आइए चले अपनी बाइक सर्विस कराते हैं। हाय, नवीन जी से बात हुई थी मेरी, नंबर तो आ गया बट पता नहीं आरसी वगैरह करते रहेगी, चेक कर लीजिए। तो ये शमशेर जी हैं और ये मेरी बाइक सर्विस करेंगे। तो आप बताएंगे कि फर्स्ट सर्विसिंग में आप क्या क्या करोगे इस बाइक पे? सर, इसमें पहली सर्विस है, इसमें ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, चेन लूप होगा और दोनों ब्रेक चेक होंगे, एयर फिल्टर चेक होगा, कि जरूरत है तो फुल हो जाएगा सर। अच्छा, बैटरी चेक होगी। अच्छा, कलर सेट होगा, बस नट बोल्ट टाइट डाले और बस ये ठीक है। कौन सा ऑयल आप इसमें डालोगे और कितने लीटर इसमें डल जाते हैं? उसमें सर डलेगा 1.8 लीटर। और कौन सा ऑयल डालते हो आप इसमें? सर आपका नॉर्मल सिंथेटिक ऑयल है। ये क्या पार्ट है? ये सर फिल्टर है एक तरीके से। अच्छा, किस चीज़ का फिल्टर है ये? ऑयल को ड्रेन करके ऊपर भेजते हैं। अच्छा अच्छा, और अब हम क्या कर रहे हैं? अब इसमें ऑयल फिल्टर चेंज कर रहे हैं। अच्छा, तो कितने किलोमीटर्स के बाद चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है ऑयल फिल्टर को? फर्स्ट सर्विसिंग में चेंज होता है और नेक्स्ट कब? नेक्स्ट आपका होगा 10,000। अच्छा, 10,000 किलोमीटर। गैसकेट भी चाहिए। अच्छा, नाइस। तो हमने नई गैसकेट डाल दी और ये नया फिल्टर लगा दिया। इसको ऑयल में ड्राई करके जब ये हमारा इंजन ऑयल है 1.8 लीटर। तो अब क्या कर रहे हैं हम? अब सर इसका एयर फिल्टर क्लीन कर। अच्छा, एयर फिल्टर कितनी देर बाद चेंज करना पड़ता है इसका? सर वो तो कंडीशन के हिसाब से चलता है। अच्छा अच्छा, जैसे अभी देख रहे हो आप सर। हाँ, सही है, फिल्टर क्लीन हो। अच्छा अच्छा, ठीक है।
जी क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं कैपिटल सेटिंग सर। तो टैंक निकालना पड़ता है इसके लिए। करना पड़ता पिस्टन टाइमिंग मिला के जब कैपेसिटी होती है। अच्छा अच्छा हाँ गाड़ी का टेम्परेचर लूज दे देंगे। अच्छा ये फ्री है कम टाइम के लिए टेम्परेचर को ये लूज कर। हाँ आप ले तो है अभी ब्रेक एडजस्ट करें हम। इसमें एक स्क्रीचिंग साउंड भी आता है ब्रेक मारते हुए, वो पानी घुसने से होता है कि किस लिए? इसका ना कार्बन आ जाता है। अच्छा 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 ये क्लीन करने पर। ओके कार्बन की वजह से वो आवाज़ आ रही है। अभी क्लच टाइट कर रहे हैं बाइक को। चेन वगैरह भी एडजस्ट हुई कि चेन ठीक है? अभी चेन मेरी पहले ठीक है सर। अभी ठीक है। हाँ इसको क्लीन करेंगे अभी। हाँ क्लीन और लुब्रिकेट। हाँ one needs to be very careful while doing this. When the bike is on the stand and it's in gear, we need to be really careful. ये क्या शमशेर भाई? सेम ही है। ये लूप है सर। अच्छा दिखाना दीजिए। वॉलेट फील कर रही है चेन लुक। ये क्या कर रहे हैं हम? ये सर्विस रिमाइंडर हटा रहे थे। अच्छा कैसे हटते हैं ये? ये बी पे ला के और इसको 3 सेकंड दबा के रखना। अच्छा अच्छा ये चाबी ऑफ कर देनी है। फिर चाबी ऑन करनी है 5 सेकंड में। अच्छा तो अभी सर्विस होगी कंप्लीट बाइक की? हाँ जी नट बोल्ट टाइट रखें, बस प्रोवाइडिंग करनी है गाड़ी के अंदर। गाड़ी कम्प्लीट होती है। गुड थैंक यू चमचेर भाई। पिछली बार भी आप ही ने लगाया था इस पर सेंटर स्टैंड वगैरह। हाँ वो मैंने पहले वीडियो में डाला है, देखना आप। ठीक है
इन टायर्स में लोग सीलेंट वगैरह डाल लेते हैं ना पंक्चर वगैरह से बचाने को, तो वो आप एडवाइस करते हो कि नहीं? हाँ नहीं, सर्विसिंग इज डन नाउ। आई थिंक अभी एक छोटी सी राइड लेकर आएंगे और देखेंगे कि कैसी चल रही है बाइक, और उसके बाद वॉशिंग होगी एंड देन वी शुड बी फ्री फ्रॉम हियर। नाउ ही इज टेकिंग इट फॉर वॉशिंग। ठीक चल रही है बाइक? बढ़िया। अब ब्रेक में वो साउंड वाउंड नहीं हो रहा और इसका गियर शिफ्ट वगैरह ठीक है? क्लच भी वैसे हो रहा था। अच्छा अच्छा, बस अभी वॉशिंग बची है। थैंक यू सो मच। सो आई गॉट नोटिफिकेशन आल्सो फ्रॉम रॉयल एनफील्ड राइट नाउ दैट द सर्विसिंग इज डन और ये अमाउंट बना और बाइक इतने बजे तक डिलीवर हो जाएगी। इट्स ऑलमोस्ट 12:30 एंड I should be free to leave here in another 5 minutes or so. So I'm just done with the billing and I paid 1164 rupees. Shiva, ek baar aap bata dijiye ki bill mein kya kya add hua hai first servicing ke? सर, सर्विस में आपका एक तो ऑयल का चार्जेस रहता है, एंड ऑयल फिल्टर हो गया, और आपका एक जो लिक्विड यूज किया जाता है चैन के लिए जो क्लीनिंग होती है उसके चार्जेस होते हैं। ऑल राइट, ये आपका बिल। थैंक यू सो मच। दिस इज द बिल 1164। सो द बाइक इज सर्विस गाइज, मजा ही आ गया। ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, बस करीब 2.25 घंटे में उन्होंने बाइक रेडी कर दी। काफी अच्छे तरीके से और काफी पेशेंस के साथ शमशेर भाई ने सर्विस की, और मेरा बिल जो बना था वो करीब 1164 रुपये का बना था, विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल। दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स वाई वेंट अहेड विद रॉयल एनफील्ड, बिकॉज द सर्विसिंग एंड स्पेयर्स डू नॉट बर्न अ होल इन द पॉकेट एंड इट्स नॉट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू सम ब्रांड्स। मेरे हिसाब से मेंटेनिंग अ बाइक शुड बी ईजी ऑन द पॉकेट एंड नॉट द अदर वे राउंड। वाओ, द बाइक फील्स सो गुड मैन, सो स्मूथ टू राइड। गियर शिफ्ट में भी बहुत फर्क पड़ा है, पहले थोड़े से अटकते थे गियर, बट अभी तो एकदम ही स्मूथ हो गई है गियर शिफ्ट। वाओ, नाउ आई कैन टेक द बाइक अप टू 80 और 80 प्लस। आई वाज इचिंग टू राइड एट 80 किलोमीटर्स पर आवर एंड नाउ आई कैन। अभी इसकी थ्रॉटल में भी मुझे स्मूथनेस लग रही है। I will also do first impressions on riding this bike and owning this machine. So if you guys like my content, do like the video, hit the notification bell, subscribe to the channel and do give your suggestions ki main is channel ko kaise improve kar sakta hu, aur aapke suggestions ko main implement zarur karunga. So I will see you guys soon. Ride hard, ride safe, take care.